हमारा ठेकुआ बन के तैयार हो गया है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए मेरे पास सांचा नहीं था फिर भी मैंने कितना अच्छी तरह से डिज़ाइन उठाया है, ये आपके ऊपर है कितना देखिए प्यारा लग रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं शर्मी के किचन में कैसे बनाना है ठेकुआ आटे का बिस्किट, तो एकदम हेल्दी वे में। आइए चलिए चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये नारियल को छोटे छोटे पीस में काट लिया है, ये मैंने ठेकुआ बनाना है। पर यहाँ पे गोवा में हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, हमको गिरी नहीं मिली, तो कच्चा ही नारियल मैंने कटवाया है, मतलब हमने काटा है। मैं इसको थोड़ा फ्राई कर लूँगी ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए, नहीं तो ठेकुआ जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे फ्राई करना है। घी डाला है, मैं नारियल डालूँगी इसमें, थोड़ा भूनूँगी नारियल को। ये देखिए मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा मैं इसको रोस्ट कर लूँगी ताकि जो हमारा कच्चापन है नारियल का वो निकल जाएगा और ठेकुआ जो है वो बहुत टेस्टी बन जाएगा। मैंने 1 किलो के बराबर आटा ले लिया है, अब इसमें मैं सौंफ डालूँगी। तो सौंफ मैंने इतना ले लिया अंदाजे से, इसमें सौंफ बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा क्रश करके डालूँगी मैं इसमें सौंफ। और इसमें मैंने डालना है ऑयल, 1 किलो के हिसाब से आपको 4 चम्मच डालना है, अगर आपने आधा किलो बनाना है तो फिर 2 चम्मच ही डालिए, तो मैं 4 चम्मच डालूँगी। ये देखिए बस थोड़ा ही डालना होता है, ये देखिए डाल दिया मैंने। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ऑयल को, ऐसे मिक्स करके फिर मैं इसमें जो नारियल रखी हो ना, भूनी हूँ मैं, जो मुझे गिरी नहीं मिली सूखी वाली, तो मैंने नारियल को देसी घी में भून लिया था, आपको बताया था ना मैंने, तो वो मैं इसमें अब डाल दूँगी, वो ठंडा हो चुका है। ये देखिए अब मैं इसको इसमें धीरे धीरे डाल दूँगी सारा, क्योंकि नारियल इसमें बहुत पसंद करते हैं हमारे घर में। तो ये देखिए धीरे धीरे मैंने नारियल डाल दिया इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। एक्चुअली मुझे गुड़ वाली बनानी थी, फिर बाद में मालूम पड़ा कि गुड़ वाली भी नहीं खा सकते, तो मैंने कहा चलो चीनी वाली बना देते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, मेरा ऑयल भी मिक्स हो गया और ये मुट्ठी भी देखिए बनने लगा है। अब मैं इसमें डालूँगी शुगर, शुगर भी मैं इसमें डाल दूँगी, एक कटोरी, बड़े कटोरी से डाल दूँगी। ये तो टेस्ट आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना मीठा बनाना चाहते हैं उतना। ये देखिए मेरा ये डब्बा है, ये आधा डब्बे के बराबर है, इतना तो मैं डाल ही दूँगी इसमें, बाद में मिक्स करने के बाद मालूम पड़ेगा कितना मीठा हुआ। ये देखिए अच्छे से मेरा मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा 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 पानी डाल के इसको घूलूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी इसमें। सारा मिक्स करके आपको दिखाती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, अच्छे से मलूँगी अभी। ये देखिए बिल्कुल एकदम टाइट ही गुनना होता है, कितना अच्छा देखिए मैंने गुन लिया है, और जैसा आप शेप देना चाहेंगे वैसा हो जाएगा। और मोर ओवर जो इसकी प्रथा है ये बहुत ज़्यादा चलता है यूपी में, बिहार में, हर त्यौहारों पे, हर फंक्शन पे, कुछ भी हो तो ठेकुआ जरूर बनता है, पिरकिया ठेकुआ, तो ये हमारे घर में भी बहुत फेवरेट है, तो आए दिन हम बनाते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं अपनी रेसिपी, कोई ख़ास नहीं है, वही कॉमन सा रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं, इसको शेप देते हैं, मेरे पास सांचा नहीं है, देखती हूँ मैं किस चीज़ से शेप दूँगी, थोड़ा डिज़ाइन अगर कुछ देना चाहती हूँ तो। चलिए मिलते हैं डिज़ाइन बनाने में। फ्रेंड्स ये मेरे पास सांचा तो है नहीं, पर मैं ये चाकू से ही इसका शेप बना दूँगी ऐसे करके, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, देखिए कितना अच्छा बन गया फ्रेंड्स। ऐसे मैं सारा बना लूँगी एक एक करके, बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी, कुछ घर में मिसहैपनिंग हो गया था जिसकी वजह से, तो ऐसे लंबा करके बस ऐसे करके दबा दूँगी और बस इसको ऐसे करके, और सब इसमें मैं छोटा छोटा ऐसे डब्बे डब्बे सा बना दूँगी। देखिए कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन बन गया, ये देखिए तलने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ऑयल वो कर दिया है, हीट पे ले आई हूँ मैं, और इसको हमने धीमे आँच पे पकाना है ताकि अंदर ठीक से पके, तो बहुत ज़्यादा मैंने गर्म नहीं करना है,
ऐसे धीरे धीरे इसको छोड़ देना है ऐसी। और ये देखिए मेरे डिज़ाइन कितना सुंदर बन गया है, मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। और ये तो बिहार का बहुत फेमस वो है, और हमारे घर में तो स्पेशली बच्चे बिस्किट खाना नहीं पसंद करेंगे, पर ठेकुआ बना देंगे तो फिर दो दिन में ख़त्म कर देंगे। ये हाल है बच्चों का। ये देखिए मैं थोड़ा सा ये चिपक रहा है यहाँ पे, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा हटाऊँगी, बस अभी धीरे धीरे होने देंगे, फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा एक मैंने पलटा है, कितना प्यारा ब्राउन हुआ है। इसको थोड़ा हम डार्क करेंगे, अभी पलट रही हूँ मैं, एक साइड से हो गया है, दूसरे साइड से पलट रही हूँ। और ये एक इंडिया का बहुत फेमस डिश है ठेकुआ, और बिल्कुल तो सिंपल रेसिपी है, झटपट बन जाता है। तो बाहर के बिस्किट्स अगर बच्चे आजकल बहुत मांगते हैं तो अब ये बना के दीजिए, उनके हेल्दी भी रहेगा, आटे का है और उनको अच्छा भी लगेगा। आप बहुत कुछ इसमें डाल सकते हैं, बहुत तरह का ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ जो बेसिक इसमें जाता है एक नारियल गिरी और सौंफ का जो फ्लेवर है यही मैंने बेसिक ही डाला है। आप चाहें बहुत कुछ इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह से हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स इतना अच्छा फ्राई हो रहा है, और ये लास्ट है मेरा लॉट, तो आइए चलिए देखते हैं जो मैंने बना के रखा है। ये फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया है, और ये डिज़ाइन देखिए जो मैंने मतलब बनाया था चाकू से, और कितना अच्छा देखिए बन गया है, कितना कुरकुरा है एक साइड से। और ये होममेड बिस्किट जो है ये देखिए, देखिए कितना अच्छा अंदर भी देखिए कितना अच्छा पक गया है, बिल्कुल कच्चा नहीं है और टेस्ट में एकदम लाजवाब है। तो आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।